हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल यूनाइटेड ट्यूटोरियल। तो चलिए शुरू करते हैं आज का हमारा ट्यूटोरियल। हमारा टॉपिक चल रहा है लॉज ऑफ मोशन। अब तक हमने इस टॉपिक में क्या क्या देखा? मोशन के बारे में देखा, टाइम, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, एक्सेलरेशन, ये सब हमने देखा। हमने एक्सेलरेशन देखा, उसमें क्या देखा था हमने? पॉजिटिव एक्सेलरेशन, निगेटिव एक्सेलरेशन। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, एक्सेलरेशन जो होता है निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोलते हैं। शायद मैं ये बात आपको बताई नहीं, लेकिन आपको बता देना चाहता हूँ कि निगेटिव एक्सेलरेशन को डिसेलरेशन भी बोलते हैं। डिसेलरेशन मतलब निगेटिव एक्सेलरेशन। निगेटिव एक्सेलरेशन यूज वर्ड यूज करने की वजह, आप अगर डिसेलरेशन यूज करोगे तो उसका मतलब वही है, निगेटिव एक्सेलरेशन। मतलब यानी कि एक्सेलरेशन कम कम होता जा रहा है। वो बता दिया था मैंने आपको निगेटिव एक्सेलरेशन के बारे में, बस उसका अल्टरनेटिव वर्ड बोल रहा हूँ, हम डिसेलरेशन भी उसे बोल सकते हैं। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं। क्या है आज का टॉपिक? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। इसके पहले हमने किसका? डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ देखा था। अभी हम कौन सा ग्राफ देखने वाले? वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। मेन बात, वेलोसिटी टाइम ग्राफ हम देखने वाले, जिसके लिए पहले तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बारे में देखने वाले। तो चलिए, हमारे पास एग्जाम्पल में क्या दिया गया है कि एक बस है जो कि 60 किलोमीटर पर आवर इस यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ ट्रेवल कर रही है। 60 किलोमीटर पर आवर उस बस की वेलोसिटी है जो कि यूनिफॉर्म है, मतलब वो कांस्टेंट है, उसी वेलोसिटी के साथ वो ट्रैवल कर रही है। और दूसरी बात, हमें 5 घंटे का टाइम दिया गया है, मतलब 5 घंटे वो ट्रैवल कर रही है हमारे एग्जांपल में। तो अभी हमें उसका ग्राफ निकालना है। तो चलिए देखते किस तरीके से आएगा उसका ग्राफ। चलिए पहले तो हमें क्या निकालना होता है, आपको तो ग्राफ के बारे में पता होगा, मैंने लास्ट ट्यूटोरियल में भी आपको ग्राफ के बारे में बहुत कुछ बताया था, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होते हैं। तो चलिए मैं निकाल लेता हूं पहले। देखिए ये हमारा वाई एक्सिस है, ये हमारा एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, एक्स एक्सिस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ दिया गया है तो वेलोसिटी किधर आएगा? हमारा वाई एक्सिस पे। तो मैं यहां पे लिखता हूं वेलोसिटी, ये वेलोसिटी है हमारा, और ये जो नीचे है वो हमारा टाइम आएगा एक्स एक्सिस पे। वेलोसिटी हमारी किलोमीटर पर आवर में दी गई है, किसमें? किलोमीटर पर आवर, यूनिट लिखना कभी मत भूलिए। और टाइम जो हमारा वो आवर में दिया गया है, आवर। तो निकाल लिया हमने। अभी हमें क्या दिया गया है कि 60 किलोमीटर पर आवर के साथ वो बस ट्रेवल हो रही है और वो वेलोसिटी उसकी कांस्टेंट है। तो चलिए हम यहाँ पे लिख देते हैं 0। हम इंटरवल लेते हैं, कुछ प्रोबेबल इंटरवल लेनी है हमें, मतलब ऐसी इंटरवल की जिसमें हमारी वैल्यूज आसानी से आ सके। तो मैं कह लूंगा 10, 20, 30, 40, 50, 60। मैं लूंगा 10, 20, 30, 40, 50 और 60। ये क्या है? मेरी वेलोसिटी वाई एक्सिस के ऊपर। एक्स एक्सिस के ऊपर मैं टाइम लूंगा। अब टाइम हमारा आवर में है और हमें कितना दिया है? 5 आवर तक वो बस उसी वेलोसिटी के साथ ट्रेवल हुई है। तो चलिए सीधा सीधा हम 1, 2, 3, 4, 5 यहाँ पे लिख देंगे। 1, 2, 3, 4, 5 तो ये जो है नीचे वाला हमारा, ये क्या है? आवर में है, टाइम। चलिए अभी दूसरी मेन बात क्या, सीधा शुरू नहीं करना, हमें स्केल लिखनी है। इंपॉर्टेंट बात, ग्राफ में स्केल इंपॉर्टेंट होती है। चलिए यहाँ पे लिखता हूँ स्केल। स्केल अभी देखिए, एक्स एक्सिस के ऊपर क्या है? टाइम दिया गया है। तो पहले लिखता हूं एक्स एक्सिस, एक्स एक्सिस के ऊपर जो ये हमारा 1 सेंटीमीटर हम कंसिडर करेंगे, ये जो मैंने डिस्टेंस लिया है दो पॉइंट्स के बीच में, वो 1 सेंटीमीटर है। हमारे ग्राफ पे 1 सेंटीमीटर ही होता है। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू कितना है हमारा? 1 आवर है। तो स्केल लिख देंगे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 1 आवर, 1 आवर। और y एक्सिस पे क्या आएगा? y एक्सिस पे हमारा जो 1 सेंटीमीटर है वो कितना है? देखिए आप, ये y एक्सिस पे जो 1 सेंटीमीटर है पहला वाला ब्लॉक कितना है? 10, कितना है वेलोसिटी किलोमीटर पर आवर? 10 किलोमीटर पर आवर। हर एक जो सेंटीमीटर है हमारा y एक्सिस के ऊपर का, वो 10 किलोमीटर पर आवर दिखाता है। तो y एक्सिस पे 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 किलोमीटर पर आवर हमारा आ जाएगा सीधा सीधा। स्केल लिखना इंपॉर्टेंट है। अब बस स्टार्ट होगी कहां से? टाइम है,
जीरो आवर से, जीरो से स्टार्ट होगी, स्टार्ट होते ही उसकी स्पीड कितनी है, 60 है। अभी मैं पहले जीरो से वन आवर में देखूंगा तो उसकी स्पीड मुझको कितनी मिलती है, 60 ही मिलती है। तो ये जीरो से वन में 60, फिर वन से टू 60 ही है क्योंकि कॉन्स्टेंट है, तो वन से टू भी 60, टू से थ्री 60 ही है कॉन्स्टेंट है, थ्री से फोर भी, फोर से फाइव भी, पूरा का पूरा फाइव तक उसकी स्पीड जो है वेलोसिटी वो कितनी है, 60 किलोमीटर पर आवर कॉन्स्टेंट है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो पूरा का पूरा फाइव तक हमारा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा, क्या आ जाएगा, फाइव तक पूरा का पूरा स्ट्रेट लाइन आ जाएगा। ये क्या है, स्ट्रेट लाइन वेलोसिटी। देखिए आप, तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी है और वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, तो हमें क्या मिलेगी, स्ट्रेट लाइन मिलेगी। और सिर्फ स्ट्रेट लाइन नहीं मिलेगी, कैसी स्ट्रेट लाइन मिलेगी, पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। देखिए ये एक्स एक्सिस है, उसके पैरेलल है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में अगर यूनिफॉर्म वेलोसिटी होगी, इसका मतलब अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो हमें स्ट्रेट लाइन तो मिलेगी ही, लेकिन स्ट्रेट लाइन आईसी भी हो सकती है, खड़ी भी हो सकती है, आईसी भी हो सकती है, लेकिन हमें कौन सी मिलेगी स्ट्रेट लाइन, एक्स एक्सिस को पैरेलल वाली। और जो उसकी वैल्यू होगी, हमारे यहाँ पे 60 है, वो कितनी होगी, वेलोसिटी के बराबर, क्योंकि उसी वेलोसिटी के साथ वो जो भी है बस कार वो ट्रैवल हो रही है। तो हमारा ग्राफ तो बन गया, वेलोसिटी टाइम ग्राफ और यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हमें क्या निकालना है, मैंने आपको बताया था स्लोप, स्लोप के बारे में। स्लोप मतलब हमको क्या करना होता है, y एक्सिस के ऊपर की क्वांटिटी डिवाइडेड बाय x एक्सिस के ऊपर की क्वांटिटी। तो आप सोचिए, देखिए y एक्सिस के ऊपर वेलोसिटी है, x एक्सिस के ऊपर टाइम है। अगर मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो मुझे क्या मिलेगा, एक्सेलरेशन। तो यहाँ पे मुझे स्लोप क्या मिलता है, एक्सेलरेशन। तो चलिए यहाँ पे सीधा सीधा लिख दूंगा मैं, यहाँ पे मुझे स्लोप क्या मिल रहा है, यहाँ पे मुझे स्लोप जो मिल रहा है वो एक्सेलरेशन मिल रहा है, सीधी सी बात है। और एक्सेलरेशन कितना है आप बता सकते हैं, यहाँ पे मुझे जो एक्सेलरेशन मिल रहा है उसकी वैल्यू क्या है। देखिए आप सोचिए, मैंने आपको बताया था एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन मतलब चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पे वेलोसिटी चेंज हो रही है क्या, नहीं, यहाँ पे 60 है वेलोसिटी, 60 किलोमीटर पर आवर जो कि कॉन्स्टेंट है, मतलब वेलोसिटी में कोई भी चेंज नहीं हो रहा। तो चेंज इन वेलोसिटी कितना आएगा, जीरो, कुछ चेंज ही नहीं हो रहा ना, तो चेंज कितना आएगा, जीरो। तो जीरो डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो मैं जीरो ही मिलने वाला है, तो मुझे यहाँ पे एक्सेलरेशन कितना मिलेगा, जीरो। तो एक्सेलरेशन फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी जब होगी तब एक्सेलरेशन कितना होगा हमारा, जीरो होगा। ये तो बात आपको समझ में आ गई होगी। स्लोप निकालना मैंने आपको लास्ट ट्यूटोरियल में बता दिया था, तो उससे स्लोप हम निकाल सकते हैं, एक्सेलरेशन हमें मिलता है। अब हमें बोला क्या गया है कि 2 आवर और 4 आवर के बीच में हमें डिस्टेंस निकालना है, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस बिटवीन 2 आवर एंड 4 आवर। 2 आवर और 4 आवर के बीच में जितना भी डिस्टेंस कवर किया उस बस ने वो हमें निकालना है। हम कैसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस, डिस्टेंस का फार्मूला क्या है, हमें वेलोसिटी का फार्मूला पता है क्या, डिस्टेंस अपॉन टाइम बोल सकते हैं, डिस्टेंस अपॉन टाइम वेलोसिटी का फार्मूला। वैसे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है, लेकिन यहाँ पे हम क्या वेलोसिटी दी गई, इसका मतलब हम क्या कंसिडर करेंगे, वो डिस्प्लेसमेंट है, जो डिस्टेंस कवर किया गया है वो डिस्प्लेसमेंट ही है, ऐसा हम कंसीडर कर सकते हैं। तो डिस्टेंस अपॉन टाइम सीधा सीधा फॉर्मूला है वेलोसिटी का। तो चलिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, वेलोसिटी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। मुझे निकालना है डिस्टेंस, मैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके निकाल सकता हूँ। तो डिस्टेंस मेरा कितना आएगा, वेलोसिटी इंटू टाइम, डिस्टेंस मेरा वेलोसिटी इंटू टाइम आ रहा है, सीधी सी बात है वेलोसिटी इंटू टाइम। अब मुझे 2 आवर और 4 आवर के बीच में मुझे निकालना है, ये दो पॉइंट्स के बीच में, देखिए ए वाला और ए वाला, 2 आवर और 4 आवर, इन दोनों के बीच में मुझे डिस्टेंस कवर कितना किया है निकालना है। तो वेलोसिटी तो मेरी कांस्टेंट है 60, तो डिस्टेंस के फार्मूले में रखूंगा डिस्टेंस इक्वल टू वेलोसिटी की जगह 60 इनटू टाइम कितना है मेरा, टाइम 2 आवर से 4 आवर तक, दो जो दो है हमारा 2 से 4 तक, तो टाइम कितना मिलेगा मुझे, 2। किस तरीके से 2 मिलेगा, 4 - 2 2, 2 बजे से 4 बजे तक कितना टाइम होता है, 2 घंटे होते, सीधी सी बात है 4 - 2 2 मिल जाता है मुझे, तो टाइम की जगह मैं रखूंगा 2। तो अगर मल्टीप्लीकेशन करूंगा तो 120 आ जाएगा, 120। अब डिस्टेंस निकल आया 120, तो इसका यूनिट भी लिखना पड़ेगा, यूनिट कितना आएगा डिस्टेंस का। देखिए वेलोसिटी का यूनिट किलोमीटर पर आवर दिया गया है, टाइम का यूनिट आवर दिया गया है, तो डिस्टेंस का यूनिट क्या आएगा, किलोमीटर, सीधी सी बात है किलोमीटर क्या आएगा, किलोमीटर। तो हमें मिल गई, हमें मिल गया डिस्टेंस 120 किलोमीटर मिल गया है डिस्टेंस। अब हम ये डिस्टेंस और एक तरीके से निकाल सकते हैं, किस तरीके से, मैं आपको बताता हूँ। मुझे डिस्टेंस निकालना है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, और
टाइम है 2 से 4, तो मैं क्या करूंगा, सीधा सीधा 2 और 4 पे वर्टिकल लाइन निकाल लूंगा, ये 2 पे, सॉरी ये वर्टिकल लाइन सीधी निकालनी चाहिए, ये 4 पे, ये मैंने वर्टिकल लाइन निकाल ली। तो ये पॉइंट ए बोलूंगा, ये पॉइंट बी बोलूंगा, ये पॉइंट 2 वाला C, 4 वाला D। अब आपको एक बात याद रखनी है, क्या, एरिया अंडर द कर्व इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कर्व के अंडर का जो एरिया होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, डिस्टेंस। सिंपल सी बात, जो कर्व है हमारा, कर्व मतलब हमारी, हमें यहां क्या मिला है, स्ट्रेट लाइन मिला है ग्राफ, तो एरिया अंडर द ग्राफ, मैं कर्व नहीं बोलूंगा, एरिया अंडर द ग्राफ बोलूंगा, जो भी ग्राफ है, अभी हमें स्ट्रेट लाइन है, तो इस स्ट्रेट लाइन के अंदर जो एरिया आएगा वो मुझे क्या दिखाएगा, डिस्टेंस। अभी आप बोलोगे सर सिर्फ कौन सा एरिया, लेकिन इसके नीचे मतलब कौन सा एरिया, पूरा ये लाइन है ना, इसका पूरा अगर मैं एरिया निकालूंगा, स्ट्रेट लाइन, यहां से वर्टिकल लाइन, यहां से वर्टिकल लाइन निकाल के निकालूंगा, तो पूरा मुझे 5 घंटे तक उसने कितना डिस्टेंस कवर किया मिल जाएगा। लेकिन मुझे पूछा कितना गया है, 2 से 4 बजे तक पूछा गया है डिस्टेंस, तो मैं क्या करूंगा, 2 और 4 के दरमियान ही एरिया निकालूंगा। तो 2 और 4 के दरमियान, देखिए मैंने ये 2 वर्टिकल लाइन निकाली, तो मुझे एरिया इस वाले रेक्टेंगल का निकालना है, ये जो मैं मार्क कर रहा हूं, देखिए आप, ये जो मैंने मार्क किया है रेक्टेंगल, इसी रेक्टेंगल का मुझे एरिया निकालना होगा, क्योंकि मुझे टाइम उन्होंने क्या दिया है, 2 से 4। अगर उन्होंने मुझे सिर्फ डिस्टेंस पूछा होता टोटल, तो मैं कितना निकालता, पूरा 0 और 5 से पूरा का पूरा, ये भी लाइन के अंदर जितना एरिया आता है उतना निकाल लेता, सॉरी ये भी नहीं, ये पूरी लाइन के अंदर, ये भी तो मेरा सिर्फ इतना पार्ट है, अभी मुझे 2 से 4 बोला इसलिए मैं सिर्फ AB के अंडर का एरिया निकालूंगा, ये एरिया ऑफ ABCD निकालूंगा मैं। तो चलिए एरिया ऑफ ABCD कितना आएगा, आपको तो पता है एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, रेक्टेंगल की लेंथ इनटू ब्रेथ, लेंथ कितनी है, अभी आप बोल सकते हैं लेंथ कौन सी भी है, हमें क्या करना है, साइड 1 इंटू साइड 2 करना है, सिंपल सी बात। तो मैं क्या करूंगा, AB इंटू AC करूंगा, AB इंटू AC, ये भी कितना है, AB की जो लेंथ है वो कितनी है, देखिए आप 2 से 4 तक, मतलब ये 2 है, AB की जो लेंथ है वो 2 है, और ये AC जो है, AC की कितनी लेंथ है, देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है यहां तक जा रहा है, तो 60, ये तो समझ में आ गया होगा आपको, ये जो लेंथ है AC की वो 60 है और AB की 2 है, एरिया 60 इंटू 2, रेक्टेंगल है साइड 1 इंटू साइड 2, अल्टरनेटिव साइड लेगी 60 इंटू 2, कितना मिलेगा मुझे 60 इंटू 2 करूंगा तो इसका एरिया मुझे 120 ही मिलेगा, और आपको यूनिट लिखना है, 60 किलोमीटर पर आवर है, 2 आवर है, किलोमीटर पर आवर इंटू आवर, आवर आवर कट जाएगा किलोमीटर, और डिस्टेंस का यूनिट तो यहाँ से पता चल जाएगा किलोमीटर है यहाँ पे, तो 120 किलोमीटर, और हमने किससे निकाला, एरिया से निकाला। तो आपको एक बात क्या याद रखनी है, एरिया अंडर द ग्राफ इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, ये बात आपको याद रखनी है। चलिए यहाँ पे कहीं पे तो लिख देता हूँ आपको, चलिए यहाँ पे लिख देता हूँ, देखिए यहाँ पे लिख रहा हूं छोटा, एरिया इन VT दिखा रहा हूं, वेलोसिटी टाइम ग्राफ को VT दिखा रहा हूं, एरिया इन VT ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस। देखिए यहां पे जो बॉक्स में मैंने लिखा है, शॉर्ट में लिखा है थोड़ा, एरिया इन VT ग्राफ रिप्रेजेंट डिस्टेंस, एरिया इन वेलोसिटी टाइम ग्राफ क्या होता है, डिस्टेंस, और जो ग्राफ हमें मिल रहा है उसके नीचे का एरिया, ये तो मतलब ऑब्वियस है, ग्राफ के नीचे का एरिया निकालना है, तो हमें 120 किलोमीटर मिल गया, देखिए, और अगर आप फार्मूले से निकालते तब भी यही आ रहा है। अभी आप बोलोगे सर स्लोप इसका एक्सेलरेशन आ रहा है, स्लोप जो है वो एक्सेलरेशन आ रहा है, और एरिया है वो डिस्टेंस आ रहा है, ऐसा क्यों, आपको याद रखना है स्लोप वेलोसिटी टाइम ग्राफ का एक्सेलरेशन और एरिया डिस्टेंस, ऐसा क्यों, क्योंकि हम जब स्लोप निकालते तो हम क्या करते हैं, वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी डिवाइडेड बाय एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी करते हैं, तो अगर मैं वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम करूंगा तो मुझे एक्सेलरेशन मिलेगा, सीधी बात है, और हम जब एरिया निकालते तब हम क्या करते हैं, साइड 1 इंटू साइड 2 करते हैं, ये वाली साइड इंटू ये वाली साइड, रेक्टेंगल का लेंथ इंटू ब्रेथ फार्मूला ही है, तो लेंथ या ब्रेथ दोनों में से कोई ना कोई एक एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी शो करेगा, कोई ना कोई एक वेलोसिटी शो करेगा, मतलब सॉरी वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी शो करेगा, मतलब अगर हमें एरिया निकालना है तो हमें सीधा, मतलब हम क्या कर रहे हैं, वाई एक्सिस इंटू एक्स एक्सिस, मतलब वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी इंटू एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी, यही कर रहे हैं हम, अगर वाई एक्सिस वाली क्वांटिटी वेलोसिटी है
एक्स एक्सिस वाली क्वांटिटी टाइम है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम क्या आता है? ने देखा वेलोसिटी इनटू टाइम डिस्टेंस आता है, तो मतलब एरिया हमें क्या मिल रहा है? डिस्टेंस। तो ये दो पॉइंट इंपॉर्टेंट है, स्लोप एक्सेलरेशन एरिया डिस्टेंस। कैसे निकालना है? आपको फार्मूले से निकाल सकते हैं, और ये तो फार्मूला आपको पता है, सीधी बात है। तो वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी मिल गया हमें, पहली बात स्ट्रेट लाइन होगा और वो स्ट्रेट लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल होगी, मेन बात वेलोसिटी कांस्टेंट है, इसलिए स्लोप होगा एक्सेलरेशन और यहाँ पे एक्सेलरेशन जीरो है क्योंकि वेलोसिटी कांस्टेंट है। दूसरी बात, तीसरी बात, एरिया इन वीटी ग्राफ रिप्रेजेंट्स डिस्टेंस, एरिया जो होगा वो डिस्टेंस रिप्रेजेंट करेगा, तो मैंने आपको निकाल के दिखा दिया। अब ये हो गया हमारा वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। अब हम देखेंगे वेलोसिटी चेंज हो रही है तो उसका क्या आता है, लेकिन वेलोसिटी जो चेंज हो रही है वो हम देखेंगे इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल चेंज हो रही है, इसका मतलब यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अब हम देखेंगे।